दोस्तों जय श्री राम, कैसे हैं आप। विशाल जिम होम वर्कआउट लॉकडाउन सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जिस बॉडी पार्ट में हमें एक्सरसाइज करनी है उसका नाम बाइसेप है। आज हम अपनी बाइसेप की मसल्स की 4 to 5 एक्सरसाइजेस करेंगे, जो कुछ इस प्रकार से है कि आपके पास डंबल्स हो तो डंबल्स से कर सकते हैं, आपके पास रेजिस्टेंस ट्यूब हो तो उससे कर सकते हैं, किसी मेरे भाई के पास कोई भी चीज़ ना होगी तो वो केवल घर बनाने वाली जैसे ईंट होती है उन ईंटों से भी कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब लाइक फॉलो और भाई को प्यार देना मत भूलिएगा और साथ देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज नंबर 1। दोस्तों जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो हम एक बॉल से सपोर्ट लेकर के डंबल्स के जरिए मारेंगे, जो कुछ इस प्रकार से है। आपका हाथ आपकी बॉल से एकदम हटके नहीं सट के रहना चाहिए और आपके जो लेग्स हैं वो 6 to 10 inches थोड़े बाहर होने चाहिए। पीठ आपका जो बैक है वो भी आपके बॉल से एकदम सट के रहना चाहिए, हाथ भी। और डंबल का मूवमेंट हम यूं करेंगे जो कुछ इस प्रकार से रहेगा। नीचे स्ट्रेच कीजिएगा, ऊपर लेके थोड़ा रोकिएगा, स्क्वीज कीजिएगा और धीरे से नीचे आइएगा। जिस स्पीड से आप अपने हाथ को ऊपर ले जा रहे हैं उसी स्पीड से हाथ को नीचे भी लेके आइएगा। भाई अगर आपके पास ये डंबल्स नहीं है तो आप ईंट के जरिए भी, ईंट के सहारे भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए संसाधन की ज़रूरत के पीछे मत पड़िएगा, अपने जज्बे को सलाम कीजिएगा और जो चीज़ पाए उसी को ही अपना इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स मशीन बना करके यूज़ कर ले। अब दोस्तों हमारी अगली जो एक्सरसाइज है वो इंक्लाइन बेंच में डंबलिंग है, जो कुछ इस प्रकार से है। हमारी सेकंड एक्सरसाइज कुछ इस प्रकार से है। इसके लिए आप 45 डिग्री में अपने एडजस्टेबल बेंच को एडजस्ट कीजिएगा और कुछ इस पोजीशन में अपने हाथ को ऊपर ले जाइए। हाथ जब इतना ऊपर आ जाए फुल रेंज ऑफ मोशन, अपनी बाइसेप को स्क्वीज कीजिए, फिर हौले से नीचे आइए, स्ट्रेच कीजिए, देन फिर से ऊपर उठाइए। अपनी कोहनियों को बहुत ऊपर उठाने के उसमें मत रहिएगा, नॉर्मल पोजीशन जो नेचुरल पोजीशन है उसको कभी भी किसी भी एक्सरसाइज में ब्रेक मत कीजिएगा। कोर को और अपने चेस्ट को एवरी एक्सरसाइज हमेशा लिफ्ट रख के चलिएगा तो आपका बॉडी लोड परफेक्ट आएगा जिस भी जगह का एक्सरसाइज करेंगे। ऊपर आइए, स्क्वीज, देन स्ट्रेच। इसके हम 4 सेट करेंगे, पहला सेट 15 का, दूसरा 12 का, तीसरा 10 का और चौथा फेलियर राउंड रहेगा। क्रॉस कर दीजिए सारी लिमिट रिपीटेशन की। यस दोस्तों हमारे नंबर ऑफ थर्ड बाइसेप की आज एक्सरसाइज है कंसंट्रेशन कर्ल। कंसंट्रेशन कर्ल में हम कुछ यू करेंगे, अपने पैर को 90 डिग्री रखिएगा, अर्थात आपकी जो बॉडी है, आपका राइट हैंड है, अगर राइट हैंड से स्टार्ट कर रहे हैं तो जो आपकी बॉडी का राइट हैंड है उसी के स्ट्रेट में ही आपका लेग होना चाहिए, जो कुछ इस प्रकार से रहेगा। जैसे मेरी बॉडी का स्ट्रेट है बॉडी से ये लेग, तो हम पहले डंबल लेंगे। डंबल बहुत वेट का मत लीजिएगा ताकि आप आराम से परफॉर्म कर सके और आपके बाइसेप पर ही केवल लोड आए। उसके लिए हम अपनी कोहनी को, अपने एल्बो को अपनी थाई से कुछ नीचे रखिएगा ताकि आप फुल रेंज ऑफ मोशन कर पाए, पूरा हाथ नीचे जाएगा और पूरा ऊपर आएगा। मेरी फेवरेट एक्सरसाइज में ये आती है और हर एक अच्छे बॉडी बिल्डर की भी। तो कुछ इस प्रकार से अपने हाथ को मैंने यूं रखा, सीधा रखा पैरेलल अपने शोल्डर के लेवल के, ताकि ये 90 डिग्री कुछ बनाएगा। देन मैं ये ऊपर लेकर के गया और अपने बाइसेप को यू मूव किया बाहर की तरफ, कुछ यू मूव किया, स्क्वीज किया, देन नीचे आए, स्क्वीज, स्ट्रेच आराम से, बिल्कुल स्क्वीज, स्ट्रेच,
क्वीज स्ट्रेच कर। इसके भी हम चार सेट करेंगे, रिपीटेशन वही रखेंगे 15, 12, 10 एंड 10। दोस्तों इसमें एक विशेष चीज ध्यान रखिएगा कि हम डंबल्स जब पकड़ते हैं, अगर आपको अपनी बाइसेप की आउटर मसल्स पे काम करना हो तो आप डंबल को आउटर बाहर पकड़िएगा। अगर आपको अपनी बाइसेप की मिड पोर्शंस पे काम करना हो तो आप सेंट्रली होल्ड कीजिएगा, सेंट्रली ग्रिप पकड़िएगा। अगर आपको अपने इनर बाइसेप पे काम करना हो दोस्तों तो डंबल यूं पकड़िएगा। ये कुछ ट्रिक्स है जिसे फॉलो कीजिएगा। तो ये मेरे यहाँ चार सेट कंप्लीट होते हैं। मैं नंबर ऑफ फोर अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ता हूँ दोस्तों। दोस्तों हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो हैमर कर्ल है। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मेरे जिन भाइयों के पास लॉकडाउन में परचेज नहीं कर पा रहे हों, शॉप्स ऑफ हो, वो मुझको 8115226383 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज दे सकते हैं, तो मैं उनको उनका सामान उनके डोरस्टेप तक पहुँचा सकता हूँ। अल एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जिन मेरे भाइयों के पास ऐसे डंबल प्लेट्स नहीं है वो ईंटों से भी कर सकते हैं। मित्रों मेरे सफल होने के लिए या कुछ करने के लिए संसाधन मायने नहीं रखते हैं, मायने रखते हैं आपके हौसले, आपके जुनून से। दशरथ मांझी ने अकेले 20 वर्षों में पहाड़ तोड़ करके रास्ता बनाया था, यहाँ उनके संसाधन माध्यम नहीं थे। मायने रखते हैं उनके हौसले, उनके जुनून के सलाम को। इसलिए दोस्तों करना है तो करना है, और मैं अब करने जा रहा हूं नंबर ऑफ फोर अपनी एक्सरसाइज हैमर कर्ल। इसमें मैं अपने डंबल्स को लेता हूं, कोर और चेस्ट को हमेशा लिफ्ट रखिएगा। ये मैं ऊपर ले गए स्क्वीज की बाइसेप और आराम से लोट लेते हो नीचे। दोस्तों सब्सक्राइब लाइक फॉलो करना मत भूलिएगा, अपने मित्रों से भी बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, आई का साथ दे। होम वर्कआउट लॉकडाउन सीरीज विशाल जिम स्पेशल। इसके भी मैं चार सेट करूंगा, 15, 12, 10 एंड फेलियर में मैं रिपीटेशन नहीं खेलता हूं जब तक आप फेल होके गिर ना पड़ो। आराम से कर ली एक्सरसाइज तो कभी बॉडी नहीं बनेगी, आप थके चूर हो जाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए इतना, खाना खाइए इतना, पानी पीजिए इतना, आराम कीजिए इतना, खुश रहिए इतना, और बॉडी बनाइए इतना, बहुत बड़ी। तो मिलते हैं हम अपने हैमर के दूसरे राउंड की तरफ मित्रों। दोस्तों यहाँ मेरे हैमर का चौथा सेट कंप्लीट हो रहा है। अब मैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ता हूँ जो 21 है। 21 द ग्रेट अर्नोल्ड सर की फेवरेट एक्सरसाइज है। तो मिलते हैं अपने अगले सेट की तरफ।
फ्रेंड्स अभी आपने प्रीवियसली सेट में देखा, इसको बोलते हैं 21 एक्सरसाइज, जिसको कुछ हम यूँ करते हैं कि इसमें हम बोथ हैंड पहले 7 टाइम्स यहाँ पे रखेंगे, 7 बार, 1, 2, 3 इस टाइप 7 टाइम्स करने के बाद फिर हम अपने बोथ हैंड को 7 टाइम्स हाफ यू लेकर के जाएंगे, 1, 2, 6 and 7 देन 7 रहेगा फुल ऑफ मोशन, फुल ऑफ रेंज ऑफ मोशन में हम पूरा हाथ नीचे लेंगे और पूरा हाथ ऊपर लेंगे, 7 टाइम्स करेंगे, मतलब 7 टाइम्स हाफ नीचे से, 7 टाइम्स हाफ ऊपर से एंड 7 टाइम्स फुल रेंज ऑफ मोशन। तो हम अपने अगले स्टेप की तरफ, अपने अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं 21 की एक्सरसाइज। फिर ऊपर लेंगे हम 7 टाइम्स,